शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सबके, कैसे हो सब। तो वापस आ चुके हम एक न्यू वीडियो पे। तो इस टाइम पे मेरा स्कोर देख सकते हो 16692 है और यहाँ पर टॉप की बात करें तो 207 नंबर पे हूँ। तो मैं यहाँ पर एक बात बोलूँ तो अगर मेरा आईडी ब्लॉक नहीं जाता तो शायद तक मैं अभी तक रीजन में होता, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मेरा जो आईडी हो 2 बार ब्लॉक लिस्ट में गया था। तो यहाँ पर देखो कि मैं बिन रीजन पे 3रे नंबर पर हूँ, मतलब 366 बुया मेरा यहाँ पर है। और मैं आप सोच रहा हूँ कि मैं ज्यादा बुया नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा बुया लेने से मेरा आईडी ब्लॉक लिस्ट में चला जा रहा था। मैं क्या करता था कि मैं 10 से 15 स्ट्राइक बना देता था, मतलब कि बोला जाए तो मैं बैक टू बैक बुया लेता था, जिससे कि मेरा जो आईडी था भाई वो ब्लॉक लिस्ट में जा रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि बैक टू बैक बुया ना लेकर एक बुया लूं और 2 गेम को बुया करूं। और यहाँ पर देख सकते हो कि मैं M14 में 3रे नंबर पर हूँ इंडिया रीजन वेपन ग्लोरी पर। और आप लोग बताना कि आप लोगों का मतलब कितना मतलब वेपन ग्लोरी टाइटल है। और मेरे को यह भी बताना कि आप लोग कौन कौन से गन पे लगाए। तो यहाँ पर मेरा M10 पे देख सकते हो कि मैं 15 नंबर पर हूँ, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है क्योंकि अधिकतम बंदे M10 का यूज ज्यादा करते हैं तो उनका टक्कर लेना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं सच बताऊं तो मेरा आईडी 2 बार ब्लॉक का इसी कारण भाई यहाँ पर मैं 15 नंबर पे हूँ, लेकिन अगर नहीं जाता तो भाई मैं उधर मतलब 4-5 नंबर पे आ जाता। तो दोस्तों आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम सीधा गेम प्ले की ओर चलते हैं। तो भाई इस वाले गेम प्ले को मैंने ऑब्जर गेम प्ले से रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पर मेरा जो कस्टम चुड़ी हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाई देखो तो यार सामने मतलब भाई इतने सारे बंदे लैंड कर रहे हैं ब्लू जोन में, मतलब भाई अभी तो भाई एकदम महाभारत होने वाला है। भाई आप लोगों को बताऊं तो इस गेम में भाई ज्ञान सुजना है जो रीजन प्लेयर है, देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीनशॉट। और सच बताऊं तो बंदा था लॉबी में, मतलब अपना जो इमोट था वो क्या बोलते हैं झंडा वाला इमोट था, उसको भाई बार बार लगा रहा था। तो मैं देखा भाई ज्ञान सुजान है, तो मैं सोचा कि डुगली ज्ञान सुजाने कोई होगा। तो मैंने वहां पे मतलब लोबी पे अब वो रिकॉर्डर ऑन नहीं किया और मेरे को पता नहीं था कि भाई ये रीजन प्लेयर होगा। तो भाई ये जो बंदा जा रहा है सामने वही ज्ञान सुजान है। तो यहाँ पर देखना कि मैं ज्ञान सुजान को यहाँ मार देता हूँ, मतलब उसका जो सोनियो था ऑन हो गया तो यहाँ पर डाउन हो जाता है और भाई मैं इसको यहाँ पर क्लियर ले लेता हूँ। तो आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर एक बार तो चांस होता है एक बंदे को रिवाइव होने का। तो यहाँ पर ज्ञान सुजान भाई रिवाइव हो जाएंगे और यहाँ सामने बंदा जाता है इसको भी यहाँ मारता हूँ, लेकिन भाई पीछे से किसी ने मेरे को भाई M10 से भर दिया। तो यहाँ पर मैं फिर से रिवाइव हो जाता हूँ और इस बार सोचता हूँ सेबली खेलूँ, क्योंकि भाई वो रीजन प्लेयर है ज्ञान सुजान, तो उसको तो भाई मारना है और बुया को तो लेके ही जाना है मेरे। और ये जो लोबी है एक तरह से बोला जाए तो एकदम हार्डी लोबी है, उतना नुबड़ा लोबी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी के टाइम में आपको पता होगा गेम को मतलब लिमिट टाइम को खेलने के लिए कर दिया है। तो बंदे अपने गेस्ट आईडी में नुबड़े वाले आईडी में आते हैं, मतलब बोला जाए तो 70-75 लेवल वाले बंदे अपने गेस्ट आईडी में 50-60 लेवल वाले आईडी पे खेलते हैं। क्योंकि जब मेरा आईडी भी ब्लॉक लिस्ट में गया था तो मैं भी अपने 50 लेवल वाले आईडी पे ही खेल रहा था। और यहाँ पर देखना कि जो ज्ञान भाई उसका फर्स्ट किल यहाँ पर शो होता है, तो मेरे को लगा भाई कि ज्ञान भाई अभी जिंदे हैं, लेकिन भाई मैं यह सोच के चल रहा था कि अभी तक ज्ञान भाई तो जो है लोबी में पहुंच गए होंगे। पर यहाँ किल आते ही मेरा शंका दूर हुआ कि अभी ज्ञान भाई मतलब जिंदा है। और यहाँ पर सीन ऐसा है कि मेरा रिसप्लाई मैप सामने है, लेकिन यहाँ पे 3-4 बंदे फाइट कर रहे थे तो मैं उसको देख के भाई जा नहीं रहा हूँ। अगर रिसप्लाई मैप वहाँ पर लूटने जाऊँ तो क्या पता भाई कहीं से फायर आ जाए, मतलब 3-4 बंदे तो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी भी हो जाता है। लेकिन भाई थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लूंगा तो मेरा लूट अच्छा नहीं होगा, तो मेरे को तो जाना ही पड़ेगा उसको मतलब लूटने के लिए। और भाई मैं क्या करता हूँ कि जब आप लोग ज्यादा बोर नहीं हो तो मैं पूरा जो लूट एरिया है उसको कट कर देता हूँ, आपको फाइट वाले एरिया ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखना कि मैं रिसप्लाई मैप लूट के जाता हूँ तो मेरे को सामने एक बंदा दिखाई देता है और भाई ये अंधाधुंध लूट रहा था, तो इसको गाड़ी से उड़ा के सीधा किल कर देता हूँ। लेकिन इसका नाम देखो भाई राइस्टार। अब भाई यहाँ पर मेरे को थोड़ा डर भी लगने लगा है, क्योंकि अगर मैं राइस्टार को मार दिया हूँ तो भाई बदला लेने के लिए ज्ञान भाई मतलब कुछ भी करेंगे, मतलब बोला जाए तो ज्ञान भाई और राइस्टार जिगरी दोस्त है, तो ऐसे में तांडव हो सकता है ज्ञान भाई का। और क्या पता इस वाले गेम में ज्ञान भाई भाई बंदे को मार मार के उनका पिछवाड़ा लाल कर दे और क्या पता मेरे को भी मार दे। तो अभी तो मैं लूट पे ध्यान दे रहा हूँ और जितना रिसप्लाई मैप है सारा लूटूंगा। और मेरे पास जो M10 है और M14 इस पे चिप लगा के इन दोनों को मैं जेट करूंगा। और अभी तक मैं 3 रिसप्लाई मैप लूट चुका हूँ, तो मेरे पास 2500 टोकन हो चुके हैं। तो जा रहा हूँ
हूँ इसमें मतलब बेंडिंग पे, और दो तीन चिप तो लगा दूंगा। और भाई यहाँ पर देखना, मैं चिप लगाने आता हूँ तो ज्ञान भाई का यहाँ पर तीसरा किल आ जाता है, तो मेरे को थोड़ा नर्वस हो रहा है कि ज्ञान भाई जो है भाई एकदम तांडव रूप दिखा रहे हैं और पूरा जो अपना स्कार जेड है बंदों पे एकदम भरे जा रहे हैं। मेरे को तो भाई धक धक हो रहा है यार दिल। और यहाँ पर देखो कि ज्ञान भाई जो है भाई किल पे किल कर जा रहा, तो भाई मेरे को सब सबर नहीं हो रहा है भाई, पूरा लोग ही तो ज्ञान भाई मार दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो ऐसे में भाई अब सबर नहीं होता मेरे को, अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर देखना कि एक बंदा फाइट कर रहा है, तो मैं थर्ड पार्टी करके उसका किल कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे सामने दो तीन बंदे और हैं, तो एक बंदा जो है मेरे को रोबोट पेट से मार रहा था, तो भाई यहाँ पर इस बंदे ने मेरे को डिस्टर्बल किया है, तो इसका गेम बजाना पड़ेगा ना मेरी जान। तो भाई उस बंदे के पास तो यहाँ पर सोनियो दीदी है, तो बंदा यहाँ पर बच जाएगा, लेकिन भाई मेरे को बहुत बुरा लगता है कि साला सोनियो दीदी तेरी सारी छोटी छोटी चड्डी फजर चड्डी सारे तेरे को गेम में जगह नहीं मिली हकने के लिए। बाबू साहब क्या बात करता है यार तुम भाई, बंदे को मतलब दुआ दे रहा है। तो यहाँ पर देखना कि मैं एक बंदे के लिए बहुत देर से कैंप कर रहा था, और यहाँ पर मैं इसी फिराते बैठा था कि बंदा कब निकले तो कब मैं इसको मारूं। यहाँ पर जो मेरा मकसद था वो तो कामयाब हो गया, तो भाई इसके लिए मेरे को कांग्रेचुलेशन बोलना कमेंट पे। और यहाँ पर तो भाई ज्ञान भाई मतलब कील पे कील करे जा रहे हैं, अज्जू भाई गज्जू भाई सबको यहाँ पे उड़ा दे रहे हैं, पर भाई हम सबर कर रहे हैं कि वो वक्त कब आएगा, वो छड़ कब आएगा जिसमें हम ज्ञान भाई को पटक के मारे। लेकिन चलो यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखाई दे, तो मैं इसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया, तो शायद मेरे को लग रहा है ज्ञान भाई तो नहीं था, तो शायद ऐसा ना हो कि वो ज्ञान भाई हो, क्योंकि ज्ञान भाई बहुत खतरनाक खेलते हैं, ऐसा डैमेज तो नहीं ले सकते। और भाई मैं सच बताऊं तो इन सोनियो कैरेक्टर्स में भाई तंग आ चुका हूं, लगता है शॉर्ट रेंज में घुस के चार पांच गोली भर दूं। लेकिन यहां पर देखना कि मेरे को एक बंदा अच्छा से डैमेज देता है, क्योंकि इतना तगड़ा स्प्रे इस गेम में किसी का नहीं हो सकता ज्ञान सुजान के अलावा। और अब तो भाई मेरे को पूरा कंफर्म हो चुका था कि यही ज्ञान गेमिंग है, तो इस पे मैं फोकस करता हूँ मारने के लिए। और यहाँ पर देखना मैं ग्लूबल तोड़ता हूँ, तो ज्ञान भाई यहाँ से गायब हो जाते हैं, तो भाई मेरे को जाना पड़ेगा वहां पर। और ज्ञान सुजान भाई बस करो यार, कितना किल करोगे यार, मतलब आधा लोग भी साफ कर दे रहे, मेरा अभी 5 किल ही हुआ है, थोड़ा तो शर्म करो यार, मतलब मेरा 3-4 किल आउट होने दो भाई, मतलब 5 ही किल ही मेरा, इसमें भाई क्या होगा मेरा, अगर 8-9 किल करूंगा तभी ना भाई मेरा प्लस होगा यार 30 का। तो चलो भाई यहाँ पर एक बंदा दिखाई दिया मेरे को, और भाई इसको मैं एक गोली चमा रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको 4-5 गोली भर दूँ, तो यहाँ पर देखना कि इसको कैसे 4-5 गोली भरता हूँ। और भाई ये देखो यार, ये तो ज्ञान भाई निकले, वो भाई घाट भाई घाट मैं तो ज्ञान भाई को मार दिया, वो माय गॉड दिस मिरेकल इज अनबिलीवेबल। और भाई हटट सामने सर साले दे ज्ञान भाई के डेथ बॉक्स देखने, तो मेरे को कितना अच्छा दिखता है। तो भाई लोग मैं फाइनली मैं ज्ञान भाई को मार दिया, तो यहाँ पर मजाक थोड़ा ज्यादा हो जाता है कभी कभी, तो भाई इसके लिए सॉरी यार, मतलब कुछ भी बोल देता हूँ बीच में। और चलो यहाँ पर एक ही बंदा बचा है, तो मेरे को बंदा स्कैनर में स्कैन हुआ है, तो सामने बंदा दिखा तो इसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा पार्ट कट करूंगा, क्योंकि ये बंदा जो था मेरे को बहुत घुमा रहा था इधर उधर, तो भाई ये बंदा चलाक है कि उधर से भग के बंदा इधर आ गया है, तो इसमें मैं ग्रेनेड डालूंगा, इस बंदे को ग्रेनेड से उड़ाने का प्रयास करेंगे। और चलो बंदा ग्रेनेड डैमेज हुआ और इसको मैंने फाइनली किल कर दिया, और यहाँ पर मेरा हो चुका है भाई बुया। तो भाई यार चलो आप लोग ज्यादा बोर नहीं करेंगे, अब भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, बाय 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 इंग्लिश में बाय।